खबर यूपी के बाराबंकी से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद प्रियंका सिंह रावत का टिकट काटते हुए जैतपुर विधानसभा के विधायक उपेंद्र रावत को प्रत्याशी घोषित किया, जिसे प्रियंका सिंह रावत के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर भाजपा जिला अध्यक्ष और साथी प्रत्याशी उपेंद्र रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रियंका सिंह रावत का टिकट कटने से समर्थकों में भी खासा आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान प्रियंका सिंह रावत का कहना था कि एक महिला होने की उन्हें ये सजा मिली है। नकारात्मक सोच के आगे झुक नहीं सकती, क्यों? क्योंकि अगर मैं झुक गई, मैं गिर गई, तो मुझे पता है इस जिले को कैसे, मैंने एक एक कार्यकर्ता को, एक एक व्यक्ति के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। खत्म हो जाएगा सब कुछ, विश्वास उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा, सच्चाई पर से विश्वास उठ जाएगा, सत्य पर से विश्वास उठ जाएगा, स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। आप लोग जो तय कर दोगे वही मैं करूंगी। मैंने ऊपर भी बात करी है कि मेरा गुना क्या था मुझे बता दे, मेरा गुना क्या था मुझे बता दे ये लोग, लेकिन आखिरी समय तक ये लोग बोलते रहे और लास्ट मोमेंट पे धोखा दिया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।